नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी महर्षि। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं जयति मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, एक घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के चौमू में मॉकड्रिल के चलते सामोद होटल में दो आतंकियों के द्वारा दो पर्यटकों को बंधक बनाने का मामला सामने आया। यहां पर मौके पर पहुंची एटीएस ने परिसर को चारों ओर से घेर लिया। एटीएस टीम ने छिपे आतंकियों के मूवमेंट को तलाशकर रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आतंकियों को मार गिराया, साथ ही आतंकियों के कब्जे से दोनों पर्यटकों को मुक्त करवाया। अलवर एसपी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 342 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अभियान के तहत 98 स्टैंडिंग वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। शर्मा के निर्देश पर 295 पुलिसकर्मियों के साथ में 78 टीमों ने 246 स्थानों पर छापेमारी की और हार्डकोर उद्घोषित स्थायी वारंटी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर के कठूमर में रेटी गांव निवासी जिला परिषद सदस्य आजाद सिंह नरुका की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। भाजपा से जिला परिषद सदस्य वो बने थे और लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनकी मौत की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर है। अलवर के कठुमर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर राव मावी कठुमर में यूथ चलाभूत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के चलते एनसीसी कैडेट के द्वारा रैली निकाली गई और इस मौके पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर योगेश टांक और उमेश चौधरी ने ईवीएम मशीन के अंग सीयू बीयू वीवीपीएटी की जानकारी देते हुए स्वीप कार्यक्रम के तहत वोटिंग पर चर्चा की। अलवर के कठुमर में भरतपुर महापौर अभिजीत कुमार ने कई गांवों में विभिन्न समाजों के प्रमुख लोगों से मुलाकात कर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां अभिजीत कुमार ने कहा कि शिक्षा में जबरदस्त सुधार की जरूरत है, किसी भी विकास में शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। तो वहीं महापौर ने कहा कि सीएम गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं का सभी को लाभ मिल रहा है। झुंझुनू में पुलिस मुख्यालय द्वारा हार्डकोर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए गए दो दिवसीय विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देश पर जिले भर में कार्रवाई जारी है। अभियान के तहत खेतड़ी में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को शांति भंग मामले में गिरफ्तार किया। जयपुर के बिंदायका में अवध बिहारी चैरिटेबल ट्रस्ट के नेतृत्व में 3 सितंबर को शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसी में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में ग्रामीणों ने रक्तदान शिविर का पोस्टर का विमोचन किया। जयपुर के बिंदायका में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कड़वासरों की ढाणी को सड़क की सौगात दी है, जहां युवा नेता रामगोपाल कटारिया और अध्यक्ष जितेंद्र कायतवाल ने सड़क का उद्घाटन किया। ग्रामीणों ने मंत्री कटारिया का आभार जताया और इस मौके पर राधेश्याम और गोविंद चौधरी भी मौजूद रहे। झुंझुनू के पोख में और गुड़ा को मिलाकर पोख नगर पालिका का गठन किया गया, जहां महिला सरपंच कोमल शेरावत पोख की पहली पालिका की पालिका अध्यक्ष बनी, जहां नवगठित पालिका बोर्ड का ग्रामीणों के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लोकेन्द्र सिंह शेखावत सहित जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। जयपुर के बिंदायका में 27 वर्षीय युवक ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। बिंदायका थाने के हेड कांस्टेबल योगेश यादव ने बताया है कि रेलवे फाटक के पास युवक की मोटरसाइकिल मिली और युवक की राहुल सैनी गढ़सिंहपुरा के रूप में पहचान की गई है। इसके बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। जयपुर के चौमू में युवक ने पंखे से साड़ी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। इस घटना की सूचना मिलने पर सामो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर चौमू के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया। यहां पर परिजनों की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। अलवर के राजगढ़ में हर घर तिरंगा हर दिल तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगा रैली निकाली गई, जहां रैली को भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में नगर पालिका के पार्षद, भाजपा कार्यकर्ता और शहर के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जैसलमेर के बांकलसर में एएनएम नहीं होने पर ग्रामवासियों को समय पर उपचार नहीं मिलने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीमार होने पर बांकलसर से लगभग 20 किलोमीटर दूर मोहनगढ़ सीएचसी पहुंचना पड़ता है। तो वहीं बांकलसर में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भवन भी बना होने के बावजूद एएनएम का पद पिछले कई सालों से रिक्त चल रहा है और इसी वजह से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है।
जैसलमेर के मोहनगढ़ में हजारों बीघा जमीन घोटाले को लेकर एसीबी डीवाईएसपी संग्राम सिंह के नेतृत्व में टीम मोहनगढ़ पहुंची। एसीबी की टीम मोहनगढ़ पहुंचने पर तहसीलदार विभाग और भू माफियाओं में हड़कंप मच गया। जैसलमेर के फलसुंड में मृतक राजू सिंह के परिवार को 11,500 रुपए और 21,000 रुपयों के दोनों ही परिवारों को श्री नरपत सिंह भूमियाजी गौ रक्षा सेवा समिति की ओर से आर्थिक सहायता दी गई। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष भूपूजी हुकुम सिंह जोधा, उपाध्यक्ष हरीश कुमावत, सलाहकार सरपंच रतन सिंह जोधा सहित अन्य ग्रामीण भी उपस्थित रहे। जोधपुर के फलौदी में राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका स्कूल की कक्षा 9वीं की 64 छात्राओं की कार्यशाला आयोजित की गई और ये कार्यशाला जेठी देवी जोगराज शर्मा फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित की गई। इस कार्यशाला में किशोरावस्था में बदलाव, महावारी का आना क्यों जरूरी है, कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को लेकर 2 दिन फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम के अंदर एसडीएम की देखरेख में रिहर्सल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और परेड सहित सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस दौरान कार्यक्रम का सुनीता पंकज ने स्वयं मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान को गति देते हुए उड़ान फाउंडेशन एफएफओआई ब्लड ग्रुप की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई। फतेह पोल से रवाना हुई रैली में सैकड़ों की संख्या में शहरवासियों ने शिरकत की। जोधपुर के फलौदी में शोध संस्थान के तत्वावधान में शंकर महादेव और काला भैरव मंदिर परिसर में सहस्त्र घट का आयोजन किया गया, जहां शिव का अभिषेक विधि विधान के साथ गणपति पार्वती राम दरबार और भैरव पूजन के साथ 31 पंडितों के द्वारा सहस्त्र घट किया गया। इसी के साथ शाम 6 बजे महाआरती के पश्चात महाप्रसादी का आयोजन भी किया जाएगा। जोधपुर के फलौदी में अमृतवाणी सत्संग की शुरुआत गुरु वंदना किशन प्यारी कला के भजनों से हुई, जहां भक्तों के जयकारों से वेद भवन गूंज उठा। दिनेश रंगा ने सभी भक्तों को भारत तिरंगा यात्रा हेतु गांधी चौक आने का अनुरोध किया और सभी को तिरंगा यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। सिरोही में बूथ विजय संकल्प बैठक को लेकर भाजपा विधानसभा की बैठक का आयोजन हुआ। भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य वक्ता प्रदेश मंत्री और सिरोही विधानसभा प्रभारी रहे। इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री ने कहा कि बूथ विजय संकल्प बैठक में हमें बूथ को जीतने का संकल्प लेना है। इस दौरान कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बालोतरा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हुआ, जहां सरपंच मंगलाराम चौधरी ने विजेता टीम को मेडल पहनाकर प्रमाण पत्र देकर खिलाड़ियों का सम्मान किया। बालोतरा के समदड़ी में अटल सेवा केंद्र पर तहसीलदार विकास अधिकारी के द्वारा मोबाइल वितरण को लेकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यहां सरपंच खमली देवी ने रिबन काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मोबाइल वितरण के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और महिलाओं को योजना के तहत मोबाइल वितरण किए गए। बालोतरा में कांग्रेस खनिज प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव पंकज प्रताप सिंह के जन्मदिवस पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और साफा पहनाकर पंकज प्रताप सिंह का स्वागत किया। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बालोतरा के समदड़ी में मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत सामूहिक पौधारोपण का आयोजन किया गया, जहां ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि पौधारोपण समारोह में पौधा रोपकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और लोगों को वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। बालोतरा के समदड़ी में आईटी प्रोग्रामर पुनीत गहलोत के जोधपुर साइबर क्राइम ब्रांच में स्थानांतरण होने पर ई मित्र संघ समदड़ी माला और साफा पहनाकर बधाई दी गई। इस दौरान प्रोग्रामर किशनलाल महेंद्र कुमार सहित ई मित्र संचालक मौजूद रहे। बालोतरा के समदड़ी में रामदेव मंदिर में बाबा रामदेव सेवा समिति तनावड़ा के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित किए गए। सर्वप्रथम बाबा रामदेव मंदिर में बाबा का आशीर्वाद लेकर पिंटू महादेव ने सभी का आभार व्यक्त किया। तनावड़ा फांटा व्यापार मंडल ने भी पिंटू महादेव का साफा माला पहनाकर और साथ ही मुंह मीठा करवाकर उन्हें बधाई दी। बालोतरा के कल्याणपुर में उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया का भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया। वहीं सतीश पूनिया का मारवाड़ी परंपरा के अनुसार पट्टा और उढ़ाकर और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। बालोतरा के समदड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने स्कूल चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिन्होंने पूछताछ में 2 दर्जन से अधिक चोरी की वारदातें करना कबूल किया। इसी के साथ आरोपियों से अभी पूछताछ जारी है।
बालोतरा के समदड़ी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठंती में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन हुआ, जहां रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही विजेता टीम कबड्डी क्रिकेट वॉलीबॉल के टीम सदस्यों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। और चलिए रुक करेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में गांव 22 पीटीडी में बीएसएफ अधिकारियों के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां भारत माता की जयकारों के साथ तिरंगा यात्रा की शुरुआत पंचायत मुख्यालय से शुरू होकर गांव की गलियों से निकलते हुए बीएसएफ चेक पोस्ट पृथ्वी सर पहुंची और इस मौके पर ग्रामीण और स्कूली छात्र भी मौजूद रहे। श्री विजयनगर में रामलीला मंचन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मौजूद सदस्यों की ओर से रामलीला मंचन के लिए कमेटी का गठन करने का प्रस्ताव दिया गया। इसमें सर्वसहमति से गुरमुखदास चुग को अध्यक्ष बनाया गया। हनुमानगढ़ टाउन के भारत माता चौक से शहीद स्मारक तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठन और 70 से 80 साल की महिलाओं ने भी मैराथन दौड़ लगाई। सादुलपुर में भाजपा की ओर से शहर के प्रमुख मार्गों से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में डीजे की धुन पर देशभक्ति के गानों के साथ तिरंगा यात्रा का शुभारंभ पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा के द्वारा पूर्व विधायक कमला कस्बा ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में वीर दुर्गादास राठौड़ के जन्म जयंती श्री क्षत्रिय युवक संघ द्वारा महेश भवन बिग्गावास में समारोह पूर्वक मनाई गई। वक्ताओं ने उनके जीवन प्रसंगों से प्रेरणा लेने की बात कही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी बनने पर अरविंद दीक्षित का भाजपा महिला मोर्चा की ओर से स्वागत किया गया। इस मौके पर दिव्यांश्री, सुनीता छाबड़ा, रमा दीक्षित, कलावती चैतन्य मौजूद रहे, जिन्होंने पुष्प गुच्छ भेंट कर दीक्षित का प्रदेश प्रभारी बनने पर स्वागत किया। हनुमानगढ़ टाउन के यातायात थाने में जिले के नशे की रोकथाम को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में संकल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष दिनेश धादीज, बाल कल्याण समिति के सदस्य विजय सिंह चौहान, यातायात थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह मौजूद रहे। और चलिए अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। चित्तौड़गढ़ में अपराधियों के धरपकड़ अभियान के चलते जिले भर में पुलिस टीमों ने कार्रवाई की, जिसमें 539 पुलिस अधिकारियों और जवानों को तैयार किया गया, जहां 104 टीमों ने 407 से अधिक संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी। वहीं पुलिस ने 296 अपराधियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 5 आबकारी अधिनियम और 4 आर्म्स एक्ट में मुकदमे दर्ज किए गए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पुलिस महानिदेशक के आदेशों पर पुलिस लगातार शहर की सड़कों पर गश्त करती दिख रही है, और इसी के साथ डीएसपी बेनी प्रसाद मीणा और सीआई राम सुमेर मीणा सहित थानों के सभी अधिकारी और जवान शहर में रूट मार्च करते नजर आए। अपराधों की रोकथाम के लिए रात के 11 बजे भी पुलिस सड़कों पर गश्त करती नजर आ रही है। राजसमंद में 2019 में 4 पुलिसकर्मियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए चयनित किया गया था, जिन्हें सम्मानित करने के लिए पुलिस लाइन में समारोह आयोजित किया गया था, जहां पुलिस महानिरीक्षक ने अति उत्कृष्ट सेवा पदक एएसआई रीडर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय नाथा द्वारा लादो सिंह सोलंकी और एएसआई पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुभाष चंद्र शर्मा को प्रदान किया था। डूंगरपुर के कोटाना में बाइक की आमने सामने दो बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को डूंगरपुर अस्पताल में पहुंचाया गया, उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस पहुंची और शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। साथ ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई अब की जाएगी। प्रतापगढ़ के सालमगढ़ में एक मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से एक बकरी जिंदा जल गई, जबकि मकान में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पुलिस, पटवारी आदि मौके पर पहुंचे और इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। प्रतापगढ़ में आयोजित होने वाले स्वाधीनता दिवस के जिला स्तरीय समारोह में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उदयपुर से एंटी सबोटास टीम हॉकी मैदान पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान टीम के द्वारा मैदान के कोने कोने की सुरक्षा उपकरणों के साथ जांच की गई। इसके बाद मैदान को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। प्रतापगढ़ में हिंदू जागरण मंच की ओर से आयोजित किए जा रहे अखंड भारत संकल्प दिवस सप्ताह के तहत भारत माता की आरती का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष सम्मिलित हुए।
प्रतापगढ़ में एसपी अमित कुमार के निर्देशन में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे वज्र अभियान के तहत पुलिस के द्वारा एक साथ कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 125 थानों पर दबिश देकर विभिन्न मामलों में 163 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही 4 मोटरसाइकिल और 1 लग्जरी गाड़ी को भी एमवी एक्ट के तहत जब्त किया गया। प्रतापगढ़ के बड़िया में अनियमित बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। वहीं ग्रामीणों ने रंथाजना पहुंचकर जीएसएस का घेराव किया और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों से समझाइश की गई। डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी भवन में एक दिवसीय कराटे चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ, जहां पर नगर परिषद के सभापति अमृतलाल कलासुआ ने चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के कुल 150 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। डूंगरपुर के सागवाड़ा में पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने मादक पदार्थ रखकर बेचने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने 0.32 ग्राम ब्राउन शुगर और 0.33 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है, और इसके साथ ही पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बारा के चिपापड़ौत स्थित श्रावा गांव में ग्रामीणों की ओर से बारिश की कामना को लेकर गाजे बाजे के साथ घास भैरव की सवारी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। बारा के चिपा बड़ौत में पंचायत समिति परिसर स्थित महाकालेश्वर मंदिर, जहां प्रातिकाल नित्य अलग अलग तरह के प्राकृतिक फूलों से श्रृंगार किया जाता है। इस परिसर में 12 फीट से अधिक लंबा सर्प का जोड़ा पिछले कई वर्षों से लोगों द्वारा कई बार देखा गया है। पूरे वर्ष प्रत्येक सोमवार को यहां महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन किए जाते हैं, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहती हैं। झालावाड़ के डिबड़ी में अज्ञात जहरीले जीव के काटने से किशोर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पंचनामा बनाकर शव को जिला एसआरजी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। झालावाड़ के पड़ावा में 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी विष्णु दांगी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सुनील कुमार और सीआई सत्यनारायण मालव की अगुवाई में गठित टीम ने आरोपियों को गर्दनखेड़ी के जंगल से गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। झालावाड़ के पड़ावा में वर्षा की कामना को लेकर महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने घास भैरू महाराज की सवारी निकाली। कस्बे के आजाद चौक से शुरू होकर सवारी श्रद्धालुओं की ओर से घास भैरू की प्रतिमा को हाथों से खींचते हुए नगर की परिक्रमा लगाई। झालावाड़ के कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ तस्कर रशीद खान उर्फ कालिया को 2 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। यहां पुलिस ने तस्करी के काम में ली गई पावर बाइक भी जब्त कर ली है, और उसके साथ ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बारा के अंता में आपसी कहासुनी को लेकर महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया, जहां इस मामले को लेकर एसपी राजकुमार चौधरी ने डीवाईएसपी विजय कुमार और थानाधिकारी राम लक्ष्मण के साथ घटनास्थल का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। झालावाड़ के पड़ाव में स्वामी मंदिर पर परशुराम सेना और सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा अखंड सनातन वैष्णव समाज के नवनियुक्त अध्यक्ष दिलीप शर्मा का स्वागत किया गया, और दौरान शर्मा को माला पहनाकर और मुंह मीठा करवाकर बधाइयां दी गई। छिपा बड़ौत में कस्बे वासियों की ओर से विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। कांवड़ यात्रा कस्बे के मुख्य मार्ग से होते हुए नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंची, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। और चलिए हम नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। ब्यावर में नर्सेज एसोसिएशन और समस्त चिकित्सकों की पहल पर नर्सिंग पद पर कार्यरत मुकेश सिंह रावत के निधन के पश्चात परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक सहयोग किया गया। इसके परिणाम स्वरूप लोगों से सहयोग के द्वारा एकत्रित हुई राशि 2,10,000 रूपये से ज्यादा की हो गई और दोनों बच्चों में विभाजित कर पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट करवाया गया। नवसृजित जिला ब्यावर में स्वतंत्रता समारोह की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। यहां मिशन ग्राउंड पर आयोजित होने वाले प्रथम जिला स्तरीय सार्वजनिक समारोह के तहत परेड, व्यायाम, प्रदर्शन और पीटी की तैयारी के लिए ब्यावर के मिशन ग्राउंड में अभ्यास जारी है। अभ्यास कार्यक्रम के दौरान शारीरिक शिक्षक विद्यार्थी को पीटी सहित अन्य व्यायामों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। अजमेर के पिसांगन स्थित नाथूथला में सागरमती नदी में डूबने से 80 वर्षीय चरवाहे की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकालकर पिसांगन चिकित्सालय की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया। मृतक के पुत्र नाथूथला निवासी सुलेमान की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया।
ब्यावर में राजकीय अमृतकोर अस्पताल परिसर में लगी एसटीपी प्लांट पर चोरी के प्रयास करते हुए युवक अस्पताल के सुरक्षा गार्ड के हत्थे चढ़ गए। हालांकि इस दौरान एक अन्य युवक का मौके से फरार हो गया। सुरक्षा गार्ड द्वारा पकड़े युवक को सूचना पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया गया है, जिसके बाद पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। अजमेर के रूपनगढ़ में सुमेर सिंह राजपूत छात्रावास में राजपूत समाज बंधुओं के द्वारा राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर क्षत्रिय संघ के पदाधिकारियों के द्वारा विधि विधान के साथ हवन पूजन किया गया। समाज बंधुओं ने वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। नागौर के लाडनू में नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जहां महादेव का सालसर बालाजी के मुख्य आकृति बनाकर महाआरती की गई। इस कार्यक्रम में शहर के कलाकारों द्वारा भव्य बालाजी की झांकी सजाई गई। डीडवाला के राजपूत सभा भवन में वीर दुर्गादास राठौड़ की 386वीं जयंती समारोह का आयोजन हुआ। इस आयोजन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में बिजुलाई बालाजी आश्रम पीठाधीश्वर सुमेश्वर गिरी महाराज और सांगलिया धुणी सुजानगढ़ के महंत केशवदास जी महाराज का मंगल सानिध्य रहा। टोंक के पुराने टोंक थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 घंटे में गो हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जेएसपी राजश्री राज वर्मा के निर्देश पर थानाधिकारी ओम प्रकाश के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसने पूछताछ और तकनीकी संसाधनों के माध्यम से कार्रवाई करते हुए गो हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अजमेर के रूपनगढ़ में पुलिस ने ऑपरेशन एरिया डोमिनेशन के तहत कार्रवाई करते हुए 8 बदमाशों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया। दरअसल ये कार्रवाई अजमेर पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देशन में और किशनगढ़ ग्रामीण सीओ जनरेल सिंह के सुपरविजन में और थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद के नेतृत्व में की गई। नागौर के खिमसर में वीर दुर्गादास राठौड़ जयंती कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जयंती पर अतिथियों ने वीर दुर्गादास राठौड़ प्रतिमा पर दीप उज्ज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं वीर दुर्गादास राठौड़ जयंती पर संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने शिक्षा छात्रावास निर्माण सहित अन्यों पर संबोधित किया। ब्यावर में प्रथम सीएमएचओ के रूप में जिले के जयतारण सीएससी पर तैनात डॉक्टर सूरज प्रसाद मीना ने कार्यभार ग्रहण किया। पीएमओ डॉक्टर एसएस चौहान के कक्ष में सीएमएचओ डॉक्टर मीना को कार्यभार ग्रहण करवाया गया। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर चौहान के नेतृत्व में साथी चिकित्सकों ने उनका माला पहनाकर साफा बांधकर ब्यावर जिले के प्रथम सीएमएचओ नियुक्त होने पर अभिनंदन जताया। ब्यावर में भगवान शिव के विश्व विख्यात धाम उज्जैन की तर्ज पर ब्यावर में भी महाकाल की श्रावण सवारी शाही ठाट के साथ निकाली गई। भगवान शिव की शाही सवारी के दर्शन करने हेतु शहरवासी उमड़े। चलिए रुक करेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबर। धौलपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू महिलाओं और बालिकाओं के लिए फ्री मोबाइल वितरण योजना का पंचायत समिति में शुभारंभ किया गया, जहां कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और एसडीएम गिरधर मीणा की मौजूदगी में आदिवासी अधिकारी रामजीत सिंह के निर्देश में स्मार्टफोन का वितरण किया गया। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र के नगला बिधोरा निकट में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस घटना की सूचना पर कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से मृतक युवक के शव को बाहर निकाला गया। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के तगावली गांव में रहने वाले एक युवक की ससुराल में पिटाई कर दी गई। पिटाई के बाद घर पहुंचे युवक ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। जहरीला पदार्थ खाने के बाद युवक की तबीयत बिगड़ने पर उसे परिजनों ने शनिवार को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान देर रात युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक युवक के भाई ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। छोटा भीम से गुड़ा चंद्रजी सिकंदरा सड़क मार्ग पर मोहनश्री का पुरा में डंपर बुलेरो की भिड़ंत में 2 राहगीरों की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों की ओर से सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया गया। पुलिस प्रशासन ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।